हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये ऑरेंज कट क्रीज आई मेकअप लुक, जो बहुत ही सिंपल है लेकिन लगता बहुत ही स्टनिंग है। आप किसी भी आउटफिट के साथ इसे बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं। एंड अगर आपकी भी मेरी तरह हुडेड आइज है तो ये वीडियो आपको बिल्कुल देखना बनता है। सो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं इस आई लुक को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने येलो कलर का आई शेडो लिया है एक फ्लफी ब्रश में, एंड उसे मैं प्लेस कर रही हूँ अपनी क्रीज पे। थोड़ा थोड़ा सा प्लेस करूंगी एंड उसके बाद उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अप्लाई किया है ऑरेंज कलर का आई शेडो एंड इसे मैं अपनी क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ, एंड उसके बाद मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी टू गेट अ क्लीनर लुक। अब मैंने यहाँ पे ब्लैक आई शेडो अप्लाई किया है ऑन द आउटर कॉर्नर। यहाँ पे मैं वी शेप ड्रॉ कर रही हूँ, और वी शेप बनाने के बाद इसे मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। थोड़ा सा पहले इसे ब्लेंड करना है, थोड़ा सा ब्लैकिश इफेक्ट आ जाएगा, उसके बाद मैं अगेन थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो यहाँ पर प्लेस करूंगी। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कट क्रीज ड्रॉ की है, और सिंपल कट क्रीज कर रही हूँ मैं, जैसे मैं हमेशा अपने ट्यूटोरियल्स में करती हूँ उस तरीके से। सो कट क्रीज ड्रॉ करने के बाद उसको थोड़ा सा क्लीनिंग लुक देना है, तो जिस तरीके से मैं वीडियो में कर रही हूँ आप उस तरीके से करके कट क्रीज ड्रॉ कर सकते हैं। तो कट क्रीज ड्रॉ होने के बाद अब मैंने यहाँ पे शिमर ऑरेंज कलर लिया है, और उसे मैं प्लेस कर रही हूँ जहाँ भी मैंने कट क्रीज ड्रॉ की है उसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज आई शेडो पिक किया है। आप अपने चॉइस से आई शेडो चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो आप येलो लुक भी क्रिएट कर सकते हैं फॉर हल्दी। सो अब मैंने यहाँ पे ब्लैक आई शेडो अगेन पिक किया है, उसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ जहाँ पे मैंने कट क्रीज खत्म की है वहाँ पे, टू गेट अ क्लीनर लुक। और ये आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अच्छा एंड स्मोकी इफेक्ट आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लैक आई शेडो जो है वो डार्क नहीं लगाया है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसे डार्क भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ब्राउ बोन पे हाईलाइटर अप्लाई किया है, सो ब्राउ बोन पे एंड इनर कॉर्नर पे यहाँ पे मैं हाईलाइटर अप्लाई कर लूंगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मेबलिन की काजल यूज की है। मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर यूज किया है, आप चाहे तो न्यूट कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं। अगर आपका आउटफिट ग्रीन कलर का है तो आप ग्रीन काजल भी कर सकते हैं। उसको मैं एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे सेम आई शेडो जो मैंने फर्स्ट यूज किया था वो लगा रही हूँ एंड उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का आईलाइनर लगाया है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा विंग्ड आईलाइनर लगाऊंगी, बहुत ही लिटिल विंग्ड करने वाली हूँ मैं, बहुत ज्यादा लंबी नहीं। सो बस आईलाइनर लगा दूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी मेबलिन का मस्कारा, एंड उसके बाद जो है मेरा आई लुक जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है। सो मस्कारा अप्लाई करने के बाद गाइज मैंने यहाँ पे फेक आईलैशेस भी अप्लाई किया है, लेकिन अगर आप फेक आईलैशेस स्किप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आप मस्कारा का 2-3 कोट लगा लीजिए अच्छे से, सो वो भी आपको फेक आईलैशेस का ही इफेक्ट देगी। सो यस गाइज, इसके बाद जो है मेरा जो लुक है वो कंप्लीट है। तो मैं अब दिखाती हूँ आपको कि मेरा फाइनल लुक कैसा लग रहा है।
सब यहाँ पे मैं लास्ट कोट लगा रही हूँ मस्कारा का, एंड इसके बाद जो मेरा आई लुक है वो कंप्लीट है। मैंने इसके बाद फेक आई लैशेज लगा ली है, एंड अब आप देख सकते हैं गाइस फेक आई लैशेज के बाद मेरा लुक जो है वो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। बहुत सिंपल सा आई लुक है लेकिन ट्रस्ट में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपकी भी हुडेड आईज है ना तो एक बार आप इस आई लुक को जरूर से ट्राई करना। आई एम 100% श्योर आपको ये लुक बहुत पसंद आएगा और आप इसको बार बार क्रिएट करेंगे आपके कोई भी फंक्शंस में। सो यस गाइज, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर करें कि आपने मेरे चैनल को किया है सब्सक्राइब। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय गाइज।